समान नागरिक संहिता यूसीसी के समर्थन में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान कांवर यात्रा पर हैं और वो जनपद मुजफ्फरनगर में प्रवेश कर चुके हैं। चर्चा है कि आज शाम मंत्री संजीव बालियान नगर में स्थित शिव चौक पर भगवान शिव शंकर को जलाभिषेक कर अपनी यात्रा पूरी करेंगे। मंत्री संजीव बालियान के मुताबिक समान नागरिक संहिता का ज्वलंत मुद्दा विदेश में चल रहा है। यूसीसी को लेकर उत्तराखंड सरकार ने एक कमेटी बनाई है और शायद वो पहली सरकार होगी जो देश में यूसीसी लाने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि एक देश में एक कानून होना चाहिए, जिसके चलते कांवर यात्रा के दौरान रास्ते में लाखों लोग मुझे मिले तो यूसीसी के बारे में लोगों से बात हुई। उन्होंने कहा कि कांवर यात्रा का उद्देश्य लोगों के मन में उठी शंका को दूर कर समाधान करना था। उन्होंने कहा कि यूसीसी देश में आए और लोगों की सहमति से आए, ये बहुत जरूरी है। देश एक तो कानून भी एक होना चाहिए। केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने कहा कि मेरी कांवर का मकसद जनपद की सुख शांति और समृद्धि है। मेरे इस बार का कांवर लाने का प्रायोजन है। मंत्री संजीव बालियान ने ओबीसी के द्वारा दिए गए मीट की दुकानें बंद करने के बयान पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार ही है जो कांवरियों पर फूल बरसाती है, तो इस दौरान मीट की दुकानें तो बंद रहेंगी ही। मेरी व्यक्तिगत कोई मनोकामना ऐसी नहीं है। हाँ, ये भी मेरी व्यक्तिगत हो सकती है कि मुजफ्फरनगर जिले से सांसद हूँ तो मेरी कांवड़ का मकसद मेरे जनपद की सुख शांति और समृद्धि है, कि मेरे जनपद में सुख शांति और समृद्धि बने रहे, यही मेरा कांवड़ लाने का इस बार का प्रायोजन है। इसके अलावा भी कोई आपने? हाँ, देखिए, उत्तराखंड से कांवड़ चलती है और मैं तो बचपन से ही, हम सब लोग कांवड़ देखते आए हैं, चूँकि चलती उत्तराखंड से, सेवा मुजफ्फरनगरवासी करते हैं, तो बचपन से एक इच्छा थी कि कांवड़ लाई जाए। कहना भगवान की यही था आदेश कि इस बार वो काम हो, और इस बार एक ज्वलंत मुद्दा देश में है यूसीसी, और उत्तराखंड सरकार ने इस पर कमेटी बनाई है और शायद पहली सरकार होगी देश में जो यूसीसी लाने जा रही है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि एक देश में एक कानून होना चाहिए, तो चर्चा का विषय है। तो लाखों लोग रास्ते में मिले हैं, तो यूसीसी के बारे में लोगों से बात करना, अगर किसी के मन में कोई शंका है उसका समाधान करना और बातचीत करना, तो ये भी एक मकसद था कि यूसीसी आए देश में और लोगों की सहमति से आए। मंत्री, ये भी कहा जाता है, मान्यता है कि कांवड़ जब एक बार लाते हैं तो जोड़ा पूरा होता है, तो भविष्य अगली बार भी पूरा करेंगे क्या? देखिए, मेरा एक कितना अलग अनुभव रहा है इस बार, मैंने देखी तो कांवड़ बहुत बार थी, लेकिन लाने का समय पर पता लगा कि ना कोई जाति है, ना धर्म है, ना ऊंच है, ना नीच है, ना कोई पैसे वाला है, ना कोई गरीब है, कांवड़ में सब भोले हैं, कोई नाम नहीं है किसी का। तो ये ऐसा अनुभव था अपने आप में कि मैं निश्चित रूप से अगली बार फिर जाऊंगा कांवड़ लेने के लिए। ऐसा अनुभव मेरी ज़िंदगी में पहला था और मैं इसे दोबारा भी अगले साल भी जाने का प्रयास मेरा रहेगा, कांवड़ अगले साल भी मैं लेकर आऊँ। ओबीसी ने कटाक्ष किया है यूसीसी को लेकर, उन्होंने कहा है कि दुकानें मीठी बंद कर दी गई, डर दी गई, एक समान कानून नागरिकता लाने का प्रयास किया जा रहा है लेकिन समानता सबको दी नहीं जा रही, क्यों दुकान बंद कर दी गई, ढकोसला बता दिया यूसीसी को। देखिए, वो अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन जब 4 करोड़ लोग गुजरते हैं और उनके मन में धार्मिक भावनाएं और कांवड़ के दौरान है कि कांवड़ के दौरान आप किसी भी ऐसी चीज़ का सेवन नहीं करेंगे, और उस वजह से सरकार की एक रहती है, पहले सरकार है दूसरी थी, उत्तराखंड में भी कांग्रेस सरकार थी या सपा सरकार थी, उनका बस चलता तो कांवड़ को बंद कर देते। इस बार उत्तराखंड में धामी जी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, ये सरकार ऐसी जो फूल बरसाती हैं कांवड़ियों के ऊपर, तो दुकानें तो बंद रहेंगी, चूँकि 4 करोड़ लोग जहाँ से गुजर रहे हैं उनकी भावनाओं का बात है, 4 करोड़ वे हैं और 4 करोड़ वे लोग हैं जो उनकी सेवा के लिए सड़कों पर हैं। आज मुजफ्फरनगर में या तो कांवड़ चल रही है या उनकी सेवा कर रहे हैं लोग, जगह जगह आप देखते हैं किस तरह से, और मेरे ज़िले का अगर आप देखो 4 करोड़ कांवड़िया गुजर रहे हैं, 2 दिन तक उनके खाने पीने की व्यवस्था, उनके रुकने की व्यवस्था, जिस तरह से सेवा भाव लोगों के मन में, तो 8 करोड़ लोगों की जहाँ भावनाएँ जुड़ी हुई हों वहाँ मीट की दुकान क्या करेगी, बताओ। मंत्री जी, हाईवे पर होटलों का एक मुद्दा चल रहा है, नाम छिपाकर होटल चलाए जा रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो नाम छिपाए गए थे वो मुद्दा उठा था और प्रशासन ने उस मुद्दे का समाधान भी किया है कि जो जिसका नाम है वही नाम रखे, प्रशासन ने उस तरह के होर्डिंग वहाँ पर लगवाई।